नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं अक्षय बिदुआ और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। और इस वक्त हम बने हुए हैं लगातार अपडेट पर। फूलपुर गोरखपुर की सीटें जो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं और दोनों ही जगह पर समाजवादी पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। बात चाहे गोरखपुर की हो चाहे फूलपुर की हो, दोनों जगह समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है और समाजवादी पार्टी के तमाम जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, इस वक्त आप उनमें जोश देख सकते हैं, जोश से भरे हुए सपा समर्थक। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर सीएम योगी की। गोरखपुर में बीजेपी को जोर का झटका लगा है, खुद की सीट माया अखिलेश गठबंधन ने जबरदस्त झटका दिया है। गोरखपुर की सीट पर फूलपुर गोरखपुर में सपा काफी आगे चल रही है, ये सबसे बड़ी खबर है। फूलपुर गोरखपुर में 14,668 वोटों से गोरखपुर में सपा आगे चल रही है। अब बीजेपी पीछे, केशव प्रसाद मौर्य के फूलपुर में भी बीजेपी पीछे चल रही है। फूलपुर में नागेंद्र सिंह पटेल 15,700, बड़ी खबर जो आपको इस वक्त बता रहे हैं, सीएम योगी की गोरखपुर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। माया अखिलेश गठबंधन ने जबरदस्त झटका दिया है, 14,668 वोटों से आगे चल रही है सपा गोरखपुर में, काफी आगे चल रही है। और इसके अलावा गोरखपुर में सपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, फूलपुर में भी यही स्थिति है। फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य की यह सीट है और यहां भी फूलपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। गोरखपुर में 11वें राउंड तक सपा 13,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है और इस वक्त जो अपडेट है वो उसके मुताबिक 14,068 वोट, सपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह पटेल को 20,495 वोट मिले हैं। नागेंद्र सिंह पटेल को 20,495 वोट। फूलपुर में 14वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 20,495 वोटों से सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सपा को 15,000, तस्वीरों में आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये बीएसपी के अपने समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी बीएसपी के समर्थक। 4,87 प्रवीण कुमार निषाद जी को 1,80,155, डॉक्टर सुरहिता करीम कांग्रेस के 7,804 मते, अवधेश निषाद 909 मत, गिरीश नारायण पांडे 635 मते, इसी तरह से बाकी लोगों के भी टोटल जो मते 12वें राउंड तक गिनी गई हैं, उसकी संख्या 3,62,615 है। भाजपा के उपेंद्र दत्त शुक्ल जी को 1,65,487 मते अब तक प्राप्त हुई है। प्रवीण कुमार निषाद सपा के 1,80,155 मते प्राप्त हुई है। डॉक्टर सुरहिता करीम कांग्रेस के 7,804 मते प्राप्त हुई है। नोटा अब तक कुल 3,325 प्राप्त। निषाद 1,80,155 वोट, एसपी 12वें राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और वहीं बीजेपी के उम्मीदवार नागेंद्र सिंह पटेल को 1,65,487 वोटों से मिले हुए हैं और वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार काफी पीछे चल रही है। तो लगातार आपको हम ये अपडेट देते रहेंगे, धीरे धीरे नतीजे हमारे पास आ रहे हैं, कहां से किसका कौन बढ़त बनाए हुए, कहां से कौन पीछे चल रहा है। और इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो समर्थक समूह देख रहे हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के हार के बाद में बसपा और सपा समर्थक हैं जो खुशियां मना रहे हैं, कोई भी आगे नहीं निकल पाया। और ये उत्साह है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं सपा बसपा समर्थकों में, क्योंकि दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। और इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में एके मिश्रा जी, हमारे राजनीतिक सलाहकार लगातार बने हुए हैं। तो एके मिश्रा, ये नतीजे अपने आप में चौंकाते हैं और जैसा कि हम स्थिति बनी हुई है,
अभी और ये बदलेगी, हो सकता है कि ये बढ़त और ये जीत थोड़ी और बड़ी होती जाए, बढ़त और बड़ी होती जाए। नहीं देखिए अक्षय, मेरे ख्याल से 11 तारीख को आप मेरे साथ बैठे थे, तो पर्टिकुलरली मेरे लिए ये कोई बहुत चौंकाने वाले बात नहीं है। उसके पीछे 3-4 बहुत लॉजिक है, बड़े सॉलिड लॉजिक है, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नेशनल या स्टेट लेवल का डायनामिक्स अलग होता है और लोकल लेवल पे डायनामिक्स अलग होता है, और इसके साथ साथ पार्टियों की अपनी प्रेफरेंस भी होती है। प्रेफरेंस होने का मतलब जो पार्टी रूलिंग है सेंटर में और स्टेट में, उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है, उनके आला कमान की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उनके लिए डेफिनेटली ये मायने रखता है। वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे सिक्के का दूसरा पहलू, जो हारी हुई पार्टी है सपा बसपा, वो तो ये तो उनके लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई होती है जी। तो अब जो ये गठबंधन हुआ है, अगर आप जातिगत समीकरण देखेंगे, आप बिहार का एग्जाम्पल लीजिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वहां पे बीजेपी फेल हुई थी तो उसका सिर्फ एक रीजन था कि गठबंधन। अगर गठबंधन नहीं होता तो वहां पे भी बीजेपी निकल जाती, क्योंकि वो वोट दो पार्टियों में बढ़ जाते। तो ये जो सारे के सारे यहाँ पे रणनीतिक समीकरण एक दूसरी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाया। फूलपुर की अगर मैं बात करूं, आप देखिए मनीष मिश्रा, कांग्रेस पहले से ही जानती थी, भले ही वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन दुनिया जानती है कि वो फाइट में है ही नहीं, लेकिन उनको भी अगर 8-10 हजार वोट मिले तो अब मनीष मिश्रा का वोट बैंक कहां से होगा सर? वो सवर्णों का होगा, पंडितों का होगा, ठाकुरों का होगा, ब्राह्मणों का होगा, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ा खास वोट बैंक, ये जब जीते थे तो इन लोगों ने काम किया था, वहां से भी माइनस हुआ। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कोई नहीं उठा रहा है कि अतीक अहमद को खड़ा, कई लोग, देखिए मैं इसको इंडोर्स नहीं करता हूं, कई लोगों ने यह बोला कि अतीक अहमद को बीजेपी ने जानबूझ के खड़ा किया है वोट काटने के लिए। एक बड़ा लाजमी क्वेश्चन है कि अतीक अहमद को अगर वोट खड़ा किया, पहले पूछना चाहिए था कि जी वो कितने सक्सेस होंगे। अब देखिए यहां पे ये बताने वाली बात है कि जब कोई एक इंडिविजुअल आदमी जैसे अतीक अहमद हुए, अगर इन्होंने एक पार्टी छोड़ दी तो वो उनके साथ होलसम जो उनका वैल्यू प्रोपोजिशन है उनके पॉलिटिकल प्रोफाइल में, पॉलिटिकल पर्सनालिटी में, तो वो एडिशन भी कम होता है। आप पार्टी छोड़ के बाहर जाएंगे, जब आप पार्टी में थे तो आपको बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे, जब आप निर्दलीय खड़े होते हैं तो हो सकता है आपको बहुत कम वोट मिले। यही एक रीजन है कि अतीक अहमद का जो वोट काटने वाला फंडा है वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को नहीं रोक पाया। मुसलमानों ने एकदम, जो अतीक अहमद के हार्ड कोर जो वोटर हैं, जो उनसे इंडिविजुअली जुड़े हैं, जो फैमिली, उन्हीं लोगों ने वोट दिया। बाकी मुसलमानों ने ये देखा कि सपा बसपा जीत रही है या जो पार्टी जीत रही है उसको वोट दे, उसको वोट दिया। ये डायनामिक्स हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये गठबंधन की जीत है, और निश्चित तौर पे जो माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति थी उसकी जीत है, और जो हम लोगों को पार्टियों ने समर्थन दिया, चाहे बीएसपी हो और चाहे पीस पार्टी हो और चाहे निषाद पार्टी हो, और वहाँ की गोरखपुर की और फूलपुर की जनता जिन्हें जो समर्थन दिया है, लेकिन हम षड्यंत्र से, ये षड्यंत्र कर रहे हैं बीजेपी की सरकार, देश की सरकार षड्यंत्र कर रही, भारत से लेकिन षड्यंत्र कर रही है, देश की सरकार षड्यंत्र कर रही है। वहाँ चुनाव आयोग को जिस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है, इस तरीके से चुनाव काउंटिंग प्रभावित की जा रही, मीडिया तक को रोक दिया जा रहा है, हमारे एजेंटों को खींच खींच के बाहर किया जा रहा है, और हमारे एजेंटों को अंदर नहीं रहने दिया जा रहा है। ये कोई न कोई बड़ा गड़बड़ भी कर सकते हैं, और जिससे विधानसभा में भी माननीय राम गोविंद जी ने भी सवाल उठाया, और भारत निर्वाचन आयोग को भी हम लोगों ने लिखा है कि निष्पक्ष हो, काउंटिंग निष्पक्ष हो, और निष्पक्ष काउंटिंग होगी 100% समाजवादी पार्टी दोनों जगह जीतेगी। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इस वक्त ये आप जो देख रहे हैं प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही, होली मनने लगी, देखिए आप ये रंग गुलाल होली, ये सब बता रहा है कि जो समर्थक हैं ये सपा समर्थक या बसपा समर्थक जो हैं वो इस वक्त खुशियां मना रहे हैं, यानी कि ये साफ हो चुका है कि बीजेपी की हार इन दोनों सीटों पर तय है। अभी तक के जो रुझान है उनके मुताबिक ये साफ हो चुका है, और ये दीर्घा में जो समर्थक दीर्घा है उसमें उत्साह बता रहा है। रेमलसी दीपक जी से बात की हिंदी खबर संवाददाता विक्रम राठौर ने, सुनिए। गोरखपुर और फूलपुर में अभी उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है, और वहां पर जैसे गड़बड़ी के कुछ मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर कि विपक्ष लगातार सदन में भी हंगामा कर रहा है, उस पर हमसे बात करने के लिए कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की गड़बड़ी लग रही है और आप किस तरीके से भी इसका विरोध करेंगे? देखिए वहां पर जो काउंटिंग सीट है उसमें भी बड़े अंतर हैं,
दूसरा वहाँ मीडिया को बाहर कर दिया गया है, आखिर मीडिया से कौन सी आपत्ति है। तीसरा, हम सब चाहते हैं जो वहाँ बेमानी हो रही है, बेमानी के पक्षधर भाजपा सरकार का हम लोग विरोध कर रहे हैं हाउस के अंदर, हम चाहते हैं लोकतंत्र जीते, चाहे जो पार्टी जीते, जो दल जीते चुनाव, चुनाव के हार जीत से मतलब नहीं है, लेकिन लोकतंत्र भारत का जिंदा रहना चाहिए, भारत का लोकतंत्र जीतना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र को मार रहे हैं, लोकतंत्र को हराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो बातें सामने आई हैं, जिस तरीके से अभी जितनी भी बातें सामने, उसका किस तरीके से इसमें विरोध करेंगे अभी, क्योंकि आप भी जिस तरीके से काउंटिंग चल रही है और भी काउंटिंग रनिंग में चल रही है, काउंटिंग रोकी नहीं गई, और वहां पर जिस तरीके आप लोग अभी आरोप लगा रहे हैं कि वहां गड़बड़ी हो रही, तो अभी किस तरीके से वहां पे चीजें सही करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी भी निर्वाचन आयोग के पास गई है, हमारे दल के लोग भी निर्वाचन आयोग के पास जा रहे हैं और वहां पर अपनी मांग रखेंगे, और हम लोग हाउस को तब तक नहीं चलने देंगे जब तक वहां पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो जाती है, क्योंकि वहां का जिलाधिकारी माननीय उच्च न्यायालय ने उसे हटाया था, सरकार उसे बचाने का निरंतर प्रयास कर रही थी, आज उसका परिणाम दिख रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी वहां गोरखपुर के जिलाधिकारी को रोकने की कोशिश किस लिए की गई थी। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह जी, जिनका साफ ये कहना था कि जिस तरीके से अभी जो काउंटिंग में गड़बड़ी चल रही है, उसका विरोध हर तरह से किया जाएगा, सदन से लेकर सड़कों तक की पूरा विरोध किया जाएगा, और साथ ही साथ चुनाव आयोग में भी पार्टी जा रही है। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शुक्ला से खास बातचीत की हिंदी खबर संवाददाता ने, सुनिए। गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है, उसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है कि वहां पर गड़बड़ी हो रही है काउंटिंग को लेकर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी मौजूद है। सर, विपक्ष लगातार काउंटिंग को लेकर विरोध कर रही है कि वहां पर गड़बड़ी चल रही है, गोरखपुर में डीएम मीडिया को भी रोक रही है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, चुनाव आयोग कराता है, सरकारें चुनाव नहीं कराती हैं। अगर विपक्ष के लोगों को कहीं कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग के पास जाएं, चुनाव आयोग फेयर चुनाव कराता है। उसके लिए विधान परिषद की कार्रवाई को बाधित करना, ये फ्रस्ट्रेशन है। और सवाल भी पूछेंगे आप, जब सरकार जवाब देती है तो आप सदन की कार्रवाई को बाधित करके भाग खड़े होते हैं, तो ये परंपरा गलत है। सर, जिस तरीके से विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि ये वही डीएम है जो अभी जब ऑक्सीजन वाला मामला हुआ था गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, वहां पर भी इनके ऊपर जांच चल रही थी, मगर इनको इसी चीज के लिए केवल नहीं हटाया गया था कि चुनाव में गड़बड़ी करें, इस पर क्या कहेंगे? ये वही डीएम है जो अखिलेश यादव ने नियुक्त किए थे, हमने नहीं हटाया इनको, और अब चुनाव आयोग चुनाव कराता है, इसमें सरकार की कोई संलिप्तता नहीं होती है। बिल्कुल सर, ये थे श्रीकांत शर्मा जी, इनका ये कहना था कि जिस तरीके से जो भी काउंटिंग चल रही है वो चुनाव आयोग कराती है, सरकार नहीं कराती, जो सरकार जो चुनाव आयोग कर रही है वो चुनाव आयोग उसका जवाब देगी। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। नरेश उत्तम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो इस चुनाव पर क्या कह रहे हैं हिंदी खबर संवाददाता से खास बातचीत में, देखिए। गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव हुए हैं कि आज काउंटिंग चल रही है, और जो काउंटिंग वहां पर हो रही है उस पर कुछ गड़बड़ी को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से आक्रोशित है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी मौजूद। सर, किस चीज को लेकर पूरा ये विपक्ष अभी सदन से वॉकआउट किया और किन किन चीजों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 4 वर्ष से सरकार हो गई, 5वां बजट रख दिया, और 1 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार का हो गया। इन सरकारों ने जनता का कोई काम नहीं किया है, किसानों, नौजवानों, हर वर्ग के साथ धोखा किया है, जिससे इनके खिलाफ परिणाम आ रहा है। गोरखपुर में धांधली का प्रयास किया जा रहा है, वहां के कलेक्टर जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था हटा दीजिए, लेकिन वो नहीं हटा गया, उसके द्वारा मतगणना को प्रभावित करके समाजवादी पार्टी के वहां के एजेंटों को भगाया जा रहा है, मीडिया के लोगों को, मीडिया अपना कवरेज नहीं कर सकते, इस तरीके से लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी घातक ये बात है। आगे किस तरीके से अब इस पर काम करें? हम इसको लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से निर्देश पर चुनाव आयोग पर जा रहे हैं, और चुनाव आयोग पर अपनी बात रखें कि मतगणना को निष्पक्ष होने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, जिनका साफ ये कहना था कि जिस तरीके से गोरखपुर में मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है, जिस तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसके लिए अब फिर से काउंटिंग कराई जाए, और उसके लिए वो चुनाव आयोग पे भी जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो चुनाव में हार जीत का सिलसिला जारी है, मतगणना चल रही है, नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, और इसके अलावा प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को सुनिए। अपनी साइकिल में अकेले राहुल गांधी जी को बैठाए थे, तब तो उनकी साइकिल कितनी चल पाई है वो सबके सामने है। अब उसमें बहन मायावती जी को बैठा लिया, उनके हाथी को बैठा लिया, तो स्वाभाविक तौर से आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति क्या होगी। और मुझे विश्वास है जनता का आशीर्वाद विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर,
भ्रष्टाचार के खात्मे के मुद्दे पर, दुरुस्त कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है और हमारे दोनों प्रत्याशी श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल फूलपुर से और श्री उपेंद्र शुक्ल जी गोरखपुर से बड़े अंतर से जीतेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो विजय का अभियान है 2019 के लिए, उसको उत्तर प्रदेश के फूलपुर और गोरखपुर से प्रारंभ करें। लोकसभा दोनों भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी। ये सपा बसपा माखपा भाकपा कांग्रेस का नापाक गठबंधन, जो नीति सिद्धांत पे ना होकर जाति संप्रदाय क्षेत्रीयता और साथ साथ जिसको कहते हैं अवसरवादिता पर टिका हुआ है, ये गठबंधन टूटेगा, ये हारेंगे और बीजेपी की नीतियों रीतियों पर पूरा विश्वास दोनों जगह की जनता, न केवल दोनों जगह की जनता की बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता और पहले से अधिक हम पर विश्वास व्यक्त करेगी। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीएम योगी के गोरखपुर में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। बीजेपी गोरखपुर में 19,201 वोट से पीछे चल रही है। सीएम योगी के गोरखपुर में ही उनकी अपनी पार्टी बीजेपी को झटका, 19,201 वोट से गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की उनकी अपनी संसदीय सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें बीजेपी 19,201 वोट से बीजेपी पीछे चल रही है। गोरखपुर में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व वाला इलाका, जहां बीजेपी को कड़ी चुनौती सपा बसपा गठबंधन ने दे दी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी से हिंदी खबर संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। गोरखपुर और फूलपुर में चुनाव की काउंटिंग चल रही है और यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा की एक शाट का सवाल है, क्योंकि जो दोनों एरिया जो हैं वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के, इसी पर हमसे बात करने के लिए पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, गोरखपुर और फूलपुर में भी काउंटिंग चल रही है, किस तरीके से देख रही है, किस तरीके से आगे चीजें मैनेज होंगी? देखिए, अभी तो 3,00,000 वोट के करीब, 4,00,000 वोट काउंट होने हैं, तो अभी तो बहुत दूर है इलेक्शन। चुनाव तो हम लोग जीतेंगे, अभी ये तो बूथ वाइज खुल रहे हैं, मोहल्ले वाइज घुस रहे हैं, खुल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी नेक एंड नेक चल रहा है, पर निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी और अच्छी वोटों से जीतेगी। सपा और बसपा ने भी एक तरीके से अपना साथ आपके खिलाफ साथ आ गए थे और उसके बाद इस तरीके से नेक टू नेक अभी भी अगर देखने को मिल रहा है, दो पार्टी और एक पार्टी नेक टू नेक हो रहा है, किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? सारी पार्टियां एक हो गई थी और वो लोग, आपने देखा कांग्रेस को भी बिल्कुल वोट नहीं मिला है, इसके मतलब कि या तो कांग्रेस को लोगों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और या वो भी जुड़ गए। तो सबने अपनी ताकत एक साथ झोंकी है, लेकिन इसके बाद भी आपसे हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार का रुख वोटर का है, वो निश्चित रूप से बीजेपी ही जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जी, जिनका साफ ये कहना है कि जिस तरीके से सभी पार्टियां एक साथ हो गई हैं, मगर फिर भी सभी के सामने भाजपा ही जीतेगी। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो ये आगे चलने का दौर आगे पीछे होना लगा हुआ है। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सुनिए, कांग्रेस नेता है, वो इस चुनाव पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। काउंटिंग चल रही है गोरखपुर में भी और फूलपुर में, कभी सपा आगे हो रही है, भाजपा आगे हो रही है, किस तरीके से देखते हैं सर, किस तरीके से फाइट देखते हैं? देखिए, अभी तो अर्ली है और कांग्रेस पार्टी ने वहाँ अच्छा किया है, हमें भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी इम्प्रूव करेगी। जी बिल्कुल। तो ये थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जिनका साफ कहना था कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें अभी काउंटिंग चल रही है और चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंगली, मगर कांग्रेस ने अच्छा किया है वहाँ पर और रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो 14वें राउंड में सपा प्रत्याशी 19,201 वोट से आगे चल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि नतीजे मतगणना इनका सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन हर्षोल्लास शुरू है।
उत्तर प्रदेश की ये दो सीटें जिस पर खास तवज्जो इस बात पर थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की दोनों सीटें थी और इन सीटों पर बीजेपी की साख दांव पर थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इस गठबंधन ने कड़ी चुनौती सत्ताधारी पार्टी को दी है। एके मिश्रा हमारे राजनीतिक सलाहकार लगातार हमारे साथ बने हुए नोएडा स्टूडियो में। तो एके मिश्रा, ये नतीजे, इससे क्या आगे फर्क पड़ने वाला है? 2019 में भी चुनाव है। नहीं देखिए, मैं आपको बड़े कॉमन लॉजिक के साथ बताऊं, अगर 2019 का आप इलेक्शन देखिए तो ऐसा नहीं है कि जो पार्टी सत्तारूढ़ है वो इतने जल्दी हार मान लेगी और वो कोई उपाय या कोई अपना स्ट्रेटजिक जो है चेंज अपने रणनीति में नहीं करेगी। मैं आपको फिर बोलता हूँ कि ये लोकल चुनाव है और यहाँ पे सारे जो इम्पैक्ट होते हैं, स्पेशली जो सत्ता में पार्टी है उसके लिए वो लोकल ही रहते हैं। विपक्ष के लिए ये मात्र एक संजीवनी का काम करता है कि इतने दिनों से कोई गुड न्यूज नहीं आई है तो ये इनके लिए गुड न्यूज आई, ये गुड न्यूज की तरह काम करेगी, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का उनके कार्यकर्ताओं में संचार करेगी। दूसरा चीज अगर ये देखा जाए, जब 2019 का इलेक्शन होगा तो वहां पे सारे समीकरण जो है आप देखिए बहुत तेजी से बदलेंगे। एक तो वो नेचुरल वे में देखा जाए, नेशनल इलेक्शन होता है तो वहां पे मैन मेड जो फैक्टर होते हैं, आर्टिफिशियल फैक्टर्स जो होते हैं, मास को जो है क्राउड को जो है वोट में कन्वर्ट करने के लिए, या मास की जो एक पब्लिक साइकोलॉजी होती है, क्राउड की अपनी साइकोलॉजी होती है, उसको मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल जो है तरीकों का मदद ली जाती है, उसको जो है यूज किया जाता है, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, डिफरेंट तरीके के मुद्दे। आप मुझे ये बताइए, 2014 के इलेक्शंस में बहुत सारे देश से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड मुद्दे उछाले गए थे, यहां पे कोई करप्शन का मुद्दा या पक्ष विपक्ष को घेरने की कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई। यहां पे जो मुद्दे हैं वो केवल और केवल ये जो एक समीकरण बना है और उसके साथ जो लोकल मुद्दे हैं कि कौन सा कैंडिडेट कितना स्ट्रांग है, किसकी पकड़ कितनी है, और पॉलिटिकल बॉन्डिंग का जो एक नेचुरल फेनोमेनम होता है कि बिटवीन जो है कैंडिडेट एंड जो वोटर्स हैं उनके बीच कितना स्ट्रांग है। ये एग्जांपल एक मैं आपको दूंगा कि बहुत से जगह पे आप देखिए, जब बीजेपी की लहर थी कई जगह पे निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए, तो वहां पे ऐसा कौन सा फैक्टर काम करता है कि इतनी बड़ी लहर में एक निर्दलीय उम्मीदवार हमेशा से जीत रहा है और जीत गया, उसको कोई नहीं उखाड़ पाया? तो ये इस तरीके के इलेक्शन होते हैं जहां पे कि बड़े लिमिटेड जो है डायनामिक्स होते हैं और एक उनका अपना पेरिफेरल होता है, उसी पेरिफेरल में ना बाहर का कोई आर्टिफिशियल जो है स्ट्रेटजी वो इंटर कर पाती है और ना यहां का जो इसी तरीके से इंटरनल एनवायरनमेंट में इस सीट पे जो भी मुद्दे हैं, जो भी रिजल्ट होगा वो बाहर के जो है अपने पेरिफेरी के बाहर वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट कि पार्टी जो जीत रही है, स्पेशली जो विपक्ष में समाजवादी और बसपा है। इसमें एक कंक्लूजन और निकाला जा सकता है, इसको सोच करके अगर ये 2019 में करें तो वहां पे भी मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इस चीज को लेके मैं आशान्वित नहीं हूं। इट विल बी मियरली अ 9 days वंडर, मतलब 4 दिन की चांदनी जो होती है, क्योंकि जो विपक्ष है मतलब समाजवादी पार्टी और इनका जो विपक्ष है बीजेपी, वो भी हाथ में हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी, वो कुछ ना कुछ करेंगे, जोड़ तोड़ करना, इनके लोगों को तोड़ना कैसे भी करके। तो इसको लेकर के 2019 से मैं कतई कोरिलेट नहीं करता हूं। लोकल अगर उस पे देखेंगे तो डेफिनेटली इसके बहुत बड़े मायने हैं, नेशनल या स्टेट लेवल पे इसके मायने उतने ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये जैसा आप बता रहे हैं कि नेशनल या स्टेट लेवल पे बहुत ज्यादा मायने नहीं होंगे, इस फैक्टर की अगर हम बात करें, ये कम से कम केंद्रीय सत्ता को समझ जाना चाहिए कि आपकी दिल्ली में सरकार है, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, लेकिन उसके बावजूद ये जो आने वाले गठबंधन की आहट है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए होने वाली है। नहीं देखिए, मीडिया में डेफिनेटली ये खबर चलेगी कि देखो जी गठबंधन एक ऐसा फार्मूला हो गया है कि जिसके कारण हम 2019 का कर सकते हैं, और अभी मिसेस सोनिया गांधी ने जो कॉन्क्लेव चल रहा था वहां पे भी उन्होंने ये बोला था कि हम गठबंधन करेंगे, डिनर डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। तो गठबंधन तो इसके पहले भी होता था, दो पार्टियां नेशनल, यूपी और एनडीए, क्या है वो यही है ना कि एनडीए में यही पार्टियां आ गई, यूपी
वो तो बट नेचुरल है, वो होना है इसके कारण। अच्छा, अब इसमें एक तीसरा गठबंधन का फार्मूला ये आ सकता है कि केवल यूपी के लिए हम देखें समाजवादी पार्टी और बसपा मिल जाएंगी, केवल यूपी के लिए। हो सकता है वो कांग्रेस वगैरह से ना मिले, ये लोग अपनी अलग खिचड़ी पकाना यूपी के लिए कर देंगी। अगर ये लोग यूपी के लिए अपना करती है तो डेंट तो लगेगा, मतलब बीजेपी के लिए या जो भी और पार्टी होगी टफ तो होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत निर्णायक वो चीज होगा कि वहां पे कोई पार्टी केवल इस कारण हार या जीत जाए। स्पेशली ये बिहार में जो इलेक्शन हुआ था गठबंधन का, और एक बार धोखा खा जाने के बाद जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो इस तरीके की स्ट्रेटजी या इस तरीके की घटनाओं के लिए काफी अलर्ट हो गई है। और इसके एग्जाम्पल हमें दूसरे और जो स्टेट लेवल के इलेक्शन हुए हैं वहां पे देखने को मिल रहा है। ये दो इलेक्शन ऐसे थे, दिल्ली के और जो है बिहार के, जहां पे कि बीजेपी को एक बार सोचने को मजबूर किया। और बीजेपी की खासियत ये है, मैं दूसरी पार्टियों से भी बोलना चाहूंगा कि हमें थोड़ा बहुत विपक्षी लोगों की रणनीति को देख करके भी सीखना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए। बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बदलते हुए माहौल के हिसाब से अपने आप को चेंज या एडॉप्टेशन जो होता है वो बहुत तेजी से करती है। तुरंत ये अपनी रणनीति को बदलना, हर इलेक्शन के हिसाब से, हर स्टेट के हिसाब से इनके अलग मुद्दे होते हैं, अलग मोडस ऑपरेंडी होती है। और दूसरी पार्टियों में मैं ये देखता हूं जो 20 साल पहले था वही सोच उनकी अभी भी है, बदले हुए चेंज या सिचुएशन के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, मुद्दे नहीं करते, इनके मुद्दे हमेशा वही रहते हैं, केवल जाति पे मुद्दे रहेंगे या जो ट्रेडिशनल मुद्दे हैं। अभी भी एके मिश्रा, यहाँ अगर आप देखें गोरखपुर फूलपुर की जीत जाति आधारित समीकरणों पर ही आधारित नहीं, वो तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे तो 1+1 इज, आप देखिए एक सिंपल कैलकुलेशन करिए, क्लास 5th की अरिथमेटिक होती है, हार्ड कोर वोटर एक कॉन्सेप्ट होता है कि पार्टी हारे या जीते लेकिन वो कभी भी पार्टी को छोड़ के नहीं जाते हैं। जैसे बीएसपी के साथ भी कुछ हार्ड कोर वोटर है, सपोज एक्स नंबर ऑफ हार्ड कोर वोटर है जो हमेशा बीएसपी को वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भावनात्मक लगाव कहिए या कैलकुलेशन कहिए, हार्ड कोर कैडर बेस्ड जो है वो वोटर होते हैं। मैं फ्लोटिंग वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ जो चेंज हो जाते हैं फिर एक पार्टी में आ जाते हैं या दूसरी पार्टी में। ऐसे ही समाजवादी पार्टी का भी अपना हार्डकोर वोटर होता है। अब देखिए ये हार्डकोर वोटर कौन है, दोनों ही पार्टियों के हार्डकोर वोटर की संख्या यूपी में बहुत ज्यादा है। समय समाप्ति की ओर है तो यहाँ पर ये नतीजे लगातार आ रहे हैं। हिंदी खबर आपको इस पर अपडेट लगातार देता रहेगा, जो भी रुझान हमारे पास आते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का है।